के साथ आइए रुक करते हैं आज की खबर। बहुजन समाज पार्टी प्रत्याशी ने विशाल कार्यकर्ता सम्मेलन का आयोजन किया, विपक्ष पर जमकर बरसे। जानकारी के अनुसार गुरुवार को नवीन मेला ग्राउंड पर बहुजन समाज पार्टी का एक दिवसीय कार्यकर्ता सम्मेलन आयोजित किया गया। वहीं कार्यकर्ता सम्मेलन में मंडल के 9 विधानसभा क्षेत्र के संभावित प्रत्याशियों को कार्यक्रम में भारी भीड़ जुटाने की जिम्मेदारी दी गई थी, जिन्होंने अधिक से अधिक लोगों को कार्यक्रम आयोजन में आमंत्रित किया। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि सतीश चंद्र मिश्रा राष्ट्रीय महासचिव एवं राज्यसभा सांसद रहे। मुख्य अतिथि के आते ही बहुजन समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने माल्यार्पण के साथ उनका जोरदार स्वागत किया। मुख्य अतिथि ने जनता को संबोधित करते हुए बसपा पार्टी को ईमानदार पार्टी बताते हुए विपक्ष पर शब्दों के बाणों से जमकर प्रहार किया। इस दौरान भाजपा सपा पर जमकर प्रहार करते हुए उन्होंने पूर्व मुख्यमंत्री मायावती को मुख्यमंत्री बनने पर प्रदेश में विकास होने की बात कही। उन्होंने पूर्व मुख्यमंत्री के पूर्व शासन किए गए विकास कार्यों को भी लोगों को बताया। मऊरानीपुर आयोजन में कैलाश साहू, मुख्य सेक्टर प्रभारी झांसी मंडल जयपाल अहिरवार, पूर्व जिला अध्यक्ष झांसी हफीज खान, पूर्व जिला संयोजक घनश्याम कुशवाहा, पूर्व जिला महासचिव झांसी तुलसीराम चंदेरिया, पूर्व उपाध्यक्ष झांसी जगदीश सिंह, पूर्व ब्लॉक प्रमुख बामोर रहे। मऊरानीपुर से संवाददाता भूपेंद्र सिंह परिहार की रिपोर्ट। आपको धमकाते थे, डराते थे, आए दिन धमकाने का काम करते हैं, मंच से खड़े होकर के कहते हैं, और तो और प्रदेश के मुखिया मुख्यमंत्री जी खड़े होकर के कहते हैं कि भयभीत हो हमसे डरो, क्योंकि हमारे पास बुलडोजर है और हम बुलडोजर लेकर के आ जाएंगे। और इस तरह से लोगों को डराने का धमकाने का काम वो आए दिन करते रहते हैं। लेकिन उनको ये मालूम शायद नहीं कि बुलडोजर जो वो दिखाने डराने धमकाने का काम करते थे वो वक्त लग गया। अब तो बुलडोजर की चाबी, बुलडोजर का स्टेयरिंग और वो एक बटन के रूप में अब की बार आम जनता के हाथ में आ गया है और वो लोग हाथी का बटन दबा करके उस बुलडोजर को घुमा करके और इस भारतीय जनता पार्टी की जो सरकार है इसके ऊपर चलाने का काम करेंगे और उनको यहां से विदा करने का काम करेंगे। भाइयों, कितना झूठ बोल सकता है कोई, कितना झूठे वादे कर सकता है? अगर इसका कोई कॉम्पिटिशन हो जाए, पूरा विश्व स्तरीय कॉम्पिटिशन भी, अगर आप प्रदेश नहीं देश नहीं पूरे विश्व स्तरीय कॉम्पिटिशन करा लीजिए, तो मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि भारतीय जनता पार्टी इसमें नंबर वन आएगी और हर जगह नंबर वन पाएगी। क्योंकि वो आपको इतने झूठों की बात झूठी बातें करके झूठे लुभाने सपने दिखाने का काम करते आए हैं, आगे भी करने का काम करेंगे, वोटों के लिए करते हैं। और उसके बाद आप जब वादा तो कर देते हैं, फिर वादा खिलाफी तो डंके की चोट में करते हैं। क्या क्या वादे नहीं किए थे इन्होंने? 15,000 सबके खाते में चले जाएंगे, एक भी व्यक्ति के हाथ में गया हो 15,000 तो हाथ उठा करके बता दे कि 15,000 रुपए उसके खाते में जमा हो, किसी के खाते में नहीं गए। बाद में कहते क्या है, अरे ये तो एक जुमला था, और उसके बाद बात खत्म कर दी। नौजवान लोगों से, बेरोजगार लोगों से कहा कि हम तुम हमारे साथ में आ जाओ, हमको वोट देने का काम करो और हम तुम्हारे साथ में रहेंगे, हम तुमको 2 करोड़ नौकरी सालाना देंगे, तुम हमारे साथ में आ जाओ वोट देने का काम करो। भोले भाले नौजवान नौजवान साथी, बेरोजगार साथी, उन्होंने सोचा कि ये तो भारतीय जनता पार्टी है जो कि एक चोंगा पहने है महात्मा का, और तिलक तो नहीं लगाते हैं, खैर तिलक न लगाने का काम नहीं करते हैं, सिर्फ एक बिंदी लगाएंगे, तिलक नहीं लगाते हैं, न चुड़ैया धारण करते हैं, न जनेऊ पहनते हैं, क्योंकि सनातन धर्म में ये सब चीजें होती हैं और उनके यहाँ ये सब नहीं होता है। लेकिन वादे तो करे थे कि आप आइए, लोगों ने सोचा, भरोसा कर लिया। और उसके बाद क्या दिया इन्होंने, क्या देने का काम किया, 2 करोड़ नौकरियां सालाना लेने का काम किया। हाँ बोलिए, क्या पूछा था? बहन जी को चैलेंज किया है कि वो ठंड में गाड़ी के बाहर बाहर नहीं निकल रही। क्या कह रहे हैं? अमित शाह ने कहा है कि बहन जी ठंड के अलावा बाहर नहीं निकल रही, और जब निकलेगी तो बाहर में नहीं। हाँ क्या कह रहे हैं? अमित शाह जी ने कहा है कि बहन जी ठंड के कारण बाहर नहीं निकल रही है, बाद में अगर निकलेंगी तो बाद में कहेंगी कि हमें प्रचार नहीं करने दिया। देखिए अमित शाह जी क्या कह रहे हैं, योगी जी क्या कह रहे हैं, ये सब लोग जो बातें कर रहे हैं वो परेशान होकर के और इसलिए दुखी होकर के कर रहे हैं कि जो जन सैलाब आ रहा है आज उत्तर प्रदेश में हम लोगों की मीटिंग में, वो ये दिखा रहा है कि जब बहन मायती जी निकलेंगी और हर जिले में जाने का काम करेंगी। अरे
हर जिले में जाने का काम करेंगी, तो उसके बाद किस तरह का तूफान आएगा वो उनको मालूम अच्छी तरीके से, और इसीलिए घबरा करके इस तरह की बातें कर रहे हैं, क्योंकि जितने भी सरकारी कार्यक्रम हैं वो सरकारी धन बल के साथ में इतने लोग तब भी इकट्ठा नहीं कर पाते हैं जितने कि हम लोग यहाँ खुद अपने आप चल करके आते हैं, ये परेशानी है। सर, आपसे निकलेंगे सर, आप कहते हैं कि बहुजन समाज पार्टी कोरोना गाइडलाइन का पालन करती है, बीजेपी कह रही है कि मायावती 2 साल से क्वारंटाइन है। वो कितने साल से क्वारंटाइन है ये भी तो पूछ लीजिए उनसे। और 9 अक्टूबर को शायद वो आंख में पट्टी डाले हुए थे क्या, जब 5 लाख लोगों को संबोधित कर रही थी बहन मायावती जी? 7 सितंबर को आंख में पट्टी बांधे हुए थे जब वो दिख नहीं रहा था क्या? तो चश्मा ठीक कर लें अपना और उसके बाद फिर बात। आज की खबरों में फिलहाल इतना ही, बने रहिए चैलेंज न्यूज 24 के साथ। नमस्कार।